हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। वेलकम टू द चैनल यासिर अली क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरीज है, अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछना है या कोई आप स्पेशल वीडियोज चाहते हैं तो आप हमें बता दें ताकि हम उन टॉपिक्स पर आपको वीडियोज़ जल्दी से प्रोवाइड कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सो हम अपना कंसाइनमेंट अकाउंट का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं आपके सामने, जहां पर हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हाउ टू वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक। हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। ये स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है कि आपको गिवन होगा क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है। स्टूडेंट्स बस थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं कौन से नहीं हैं। सो आइए हम इसको और आसान बना लेते हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक, तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जितना भी सामान अभी बिका नहीं है उसका क्या कॉस्ट प्राइस, जितनी भी उनकी कॉस्ट है उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब स्टूडेंट्स आप एक बात बताएं कि जितने भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए होंगे वेदर कंजाइनर और कंजाइनी के, वो टोटल गुड्स पर इनकर्ड हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ सामान बचा हुआ है तो उन पे भी तो कुछ एक्सपेंसेस होंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस लेते हैं। तो ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनर, कि कंजाइनर ने 1000 बैग थे, 1000 बैग पर उसने 2000 रुपये खर्च करे और अभी 200 बैग बचे हैं, तो हमें जो एक्सपेंसेस निकालने, कितने बैग के लिए निकालने, 200 बैग के लिए, उसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट और यूनिटरी तरीके से। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनर वो रिकॉर्ड कर दी हमने। फिर ऐड प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनी, यहां मैंने क्या लिखा है डायरेक्ट, ओके यहां मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा। तो हमने पिछली वीडियोज में डिस्कस किया था कि ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनर आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि कंजाइनी के कौन से लेने, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें कंसीडर करने। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं कंजाइनी के, अब देखिए कंजाइनर ने गुड्स भेजा किसको, कंजाइनी को, यहां पर गुड्स क्या करा कंजाइनी ने, रिसीव कर लिया, रिसीव्ड बाय कंजाइनी, यहां पर गुड्स क्या कर लिया उसने, रिसीव। अब यहां से जहां से रिसीव कराए वो अपने गोडाउन तक सामान को ले जा रहा है, कहां तक ले जा रहा है, अपने गोडाउन तक। तो जहां से रिसीव किया और गोडाउन तक के जितने खर्चे होंगे वो सारे के सारे क्या ट्रीट होंगे, डायरेक्ट। और एक बार जहां फैक्ट्री गोडाउन में सामान पहुंच गया उसके बाद जितने एक्सपेंसेस होंगे सारे के सारे कौन से होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमें यहां से यहां तक के एक्सपेंसेस कंसीडर करने हैं जो कि कौन से हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हमें कंसीडर नहीं करना है जब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन हाँ, इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ये एक्सपेंसेस तो कंजाइनी के हैं, इनको कंजाइनमेंट अकाउंट तो रिकॉर्ड करेंगे, बट क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। सो इसीलिए यहां लिखा प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंजाइनी, और जो वैल्यू निकल कर आएगी हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और इसको हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, कंजाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमसे और जुड़े रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.yasiraliclasses.com yasiraliclasses.com। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर CACS CMA फाउंडेशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो हमारे ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं जो वो विजिट कर सकते हैं www.yasiraliclasses.in yasiraliclasses.in, इस पर वो विजिट कर सकते हैं। आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, यासिर अली क्लासेस के नाम से हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है, वहाँ से आप हमारी वीडियोस, हमारे नोट्स, ओके, वहाँ से हमारे ऑनलाइन कोर्सेज आप परचेज भी कर सकते हैं और आप उनको देख भी सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।